हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैक्स गेमर यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अपनी जेब वाली कार भाई फोर्ड कंपनी वालों की 1965 मॉडल है भाई। तो भाई फिलहाल अपनी जेब वाली कार भाई पूरी कचरा हो चुकी है। थोड़ा सा भाई ये पहला गियर ही ले रही है। तो भाई अपनी इस कार को भाई रिपेयर के लिए हम वर्कशॉप पर लेकर जा रहे हैं भाई। तो आप देख सकते हैं भाई इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो भाई जे वाली अपनी कार भाई फोर्ड कंपनी वालों की है भाई, एंजिला 1965 मॉडल है भाई जे वाली कार। तो फिलहाल भाई ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हैं भाई। तो यहीं से होकर भाई हम अपनी इस कार को वर्कशॉप पर लेकर जाएंगे। तो ये राइट साइड में आप भाई देख रहे हैं छोटी सी नदी चल रही है, तो उसी नदी के पास से हम इस कार को लेकर आए हैं। तो भाई अपनी कार जे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो इसी वजह से भाई इस कार की जे कंडीशन हुई है। तो फिलहाल भाई इस कार को हम गैराज में लेकर जा रहे हैं। तो भाई जहाँ से हमारा गैराज भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, तकरीबन 8 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं उसके बीच में से जो सुरंग जा रही है, तो भाई उसी के बीच में से हम जाएंगे शॉर्टकट। तो दूसरी साइड से जो अगर जाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, तो यहीं से ले लेते हैं भाई शॉर्टकट। तो फिलहाल भाई इनका जो रास्ता भाई बंद किया हुआ है, तो देखते हैं अगर भाई खुला है तो हमारी कार को जहाँ से शॉर्टकट ले जाएंगे। तो भाई अपनी कार का जो मॉडल है वो भाई काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो भाई इसलिए मॉडल ज़्यादा अपनी कार का पुराना होने के कारण ये ज़्यादा लोड भी ले रही है। तो भाई ये आप देख सकते हैं सुरंग के बीच में कोई भी जहाँ पर इनकी लाइट का प्रबंध नहीं किया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई सुरंग जहाँ से ख़त्म हुई, तो भाई अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल मैक्स गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दोस्तों बेल वाली घंटी को नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। तो भाई अभी अपनी कार जहाँ से भाई सुरंग से बाहर निकल चुकी है, तो फिलहाल भाई जहाँ पर हमने अपने गैराज में जाना है, तो जहाँ से 7 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता रह चुका है, तो वहीं पर भाई अपनी फोर्ड कार को हम रिपेयर करवाएंगे, फोर्ड एंजिला जो भाई 1965 मॉडल है भाई, बहुत पुरानी कार है यार। तो इसलिए भाई आप ये भी देख सकते हैं कि कार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भाई इसलिए ये ज़्यादा भाई सेकंड गियर भी नहीं ले रही, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर में ही जा रही है यार। तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है भाई। ये सामने आप जो देख सकते हैं ना, ये सामने जो ब्रिज जा रहा है भाई, ये ट्रेन की लाइन है भाई, ट्रेन जाती है इसके ऊपर में से। अगर दोस्त आप जे वाली वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज मैक्स गेमर को लाइक और फॉलो जरूर कर देना यार, और फेसबुक पर भी वीडियो को भाई लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना। तो प्लीज़ यार हमारे फेसबुक पेज को भी यार सपोर्ट जरूर करना। तो भाई आप देख सकते हैं अपनी जो कार की भाई जो नंबर प्लेट थी भाई वो भी उखड़ गई है, तो पता नहीं नंबर प्लेट भी कहां पर गिर गई, तो वो भी लगवानी पड़ेगी अभी। तो पहले चलते हैं भाई, तो जहां से भाई हमने शॉर्टकट ले लिया है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है भाई। अपनी कार के भाई टायर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा ना पथरीला इलाका है भाई, पथरीला रास्ता भी है। तो देखो जितना ही भाई ये कच्चा रास्ता है इसमें पत्थर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भाई गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो भाई अपना जो गैराज है भाई जहाँ से 6 किलोमीटर से थोड़ा सा बस आगे रह गया है, तो भाई चलती चलती वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं यार। और अगर दोस्तों आप किसी और भी गेम का गेम प्ले वीडियो चाहते हैं भाई, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं जल्दी भाई उस वाली गेम का भी वीडियो आप सभी के लिए गेम प्ले वीडियो लेकर आऊँगा।
तो फिलहाल ये देखो भाई कितनी ज़्यादा जिनकी कारें भाई सही है ना, कितनी ज़्यादा स्पीड में जहाँ पर कार भगाते हैं भाई। तो भाई ये देखो पूरा का पूरा जो एरिया है भाई ये सुनसान सा एरिया है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो जहाँ पर भाई आपको जितने भी लोग हैं भाई वो कारों पर ही दिखाई देंगे, वैसे कोई जहाँ पर बंदा दिखाई नहीं देता। तो भाई ये बढ़िया है कि अपनी ये फोर्ड एंजिला अभी भी चल रही है, अगर भाई ये रास्ते में कोई दिक्कत देती या ख़राब हो जाती तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जानी थी। तो भाई पहले अपनी इस कार को रिपेयर करवाएंगे भाई, फिर बाद में एक रेस भी लगवाएंगे इसके साथ। तो देख सकते हैं भाई सामने से ही बिल्कुल भाई ये इसका पूरा कचरा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो कार की बॉडी है भाई वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जे भाई फोर्ड कंपनी वालों की कार है 1965 मॉडल। है भाई जे वाली कार फोर्ड कंपनी वालों की एंजिला। तो अभी भाई हम रोड पर भाई चढ़े हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे भाई, 5 किलोमीटर रास्ता रह चुका है अभी अपना। तो भाई सामने जो आप वो पहाड़ देख रहे हैं ना भाई ऊंचा सा, तो वहाँ पर भाई वो थोड़ा सा ठंडा इलाका है, वहाँ पर भाई स्नो पड़ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ भाई देखो बर्फ़ से ढके हुए हैं भाई। तो चलती चलती वीडियो को भाई यार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें यार। भाई जहाँ पर ना जो पेड़ हैं भाई बहुत ज़्यादा हैं भाई, जितने भी जिस भी एरिया में आप जाएंगे ना जहाँ पर आपको पेड़ बहुत भाई ज़्यादा दिखाई देंगे, तो इसलिए भाई थोड़ा सा जहाँ पर जो एरिया है ना भाई वो ग्रीन एरिया है ज़्यादा जहाँ पर। तो सामने भाई एक छोटा सा टाउन आ गया है भाई जहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी टाउन में से होकर जाना है हमें भाई। ये देखो कितनी बढ़िया जहाँ पर रोड बनाई हुई है इस टाउन के बीचों बीच में से। तो भाई जहाँ पर जितने भी घर हैं भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर हैं भाई, छोटे छोटे से घर हैं तो कितने बढ़िया हैं भाई ये देख सकते हैं आप। At the roundabout, take the second exit. तो भाई अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल मैक्स गेमर को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और साथ ही दोस्तों बेल वाली घंटी को नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो भाई अपना जो थोड़ा सा भाई रास्ता रह गया बस 3 किलोमीटर से कम रह गया भाई, हम अपने गैराज में पहुंचने ही वाले हैं, तो वहां पर भाई अपनी फोर्ड एंजिला को रिपेयर करवाएंगे, तो फिर बाद में भाई इसके साथ एक रेस भी लगाएंगे क्योंकि भाई रिपेयर पे जो भी खर्चा आएगा तो भाई रेस से निकालना पड़ेगा।
तो भाई हम बिल्कुल गैराज के पास पहुंच चुके हैं भाई। तो जहीं से अपनी कार को भाई रिपेयर करवाना है, तो भाई इसकी जो पूरी की पूरी कार की अपनी बॉडी है भाई, वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अपनी कार पे डेंट पड़ चुके हैं भाई। तो जहीं से पहले अपनी इस कार को भाई फोर्ड एंजिला को भाई रिपेयर करवाएंगे, तो बाद में भाई हम रेस लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी और कार के फैंस हैं ना भाई, आपको कोई और कार लाइक है तो आप चाहते हैं कि मैं उस कार के साथ एक वीडियो लेकर आऊं, तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं जल्दी आप सभी के लिए भाई उस वाली कार का भी भाई वीडियो लेकर आऊंगा। तो भाई चलती चलती वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कर दें यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं भाई चलती चलती वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर देना यार। तो भाई फ़िलहाल हम अपनी कार को गैराज में लेकर आ चुके हैं भाई, तो जहाँ पर भाई इसे रिपेयर करवाएंगे, पहले जो भी इसका सामान पड़ता है भाई वो डलवा देंगे। तो भाई आप देख सकते हैं हमारी फोर्ड एंजेला रिपेयर हो चुकी है, और हमने इस पर पेंट भी इसका चेंज करवा दिया है। ये देख सकते हैं भाई इसका लुक, अब देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी फोर्ड एंजेला। तो भाई अभी हमने ना भाई जहां पर हमारी रेस होने वाली है जल्द से जल्द भाई वहां पर जाना है, तो एक रेस लगाएंगे भाई। तो इसका जो भी भाई एक्सपेंस हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, तो भाई उस पैसे को निकालेंगे। तो जहाँ से भाई लेफ्ट ले लेते हैं तो भाई हमारा जो रेस का टाइम है भाई वो ना निकल जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी जाना होगा रेस में। वो भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी हो गया था यार, फिर भी बच गए भाई, कार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वैसे भाई अपनी जो जे वाली अपनी फोर्ड एंजेला कार है ना भाई, इसकी जो टॉप स्पीड है भाई वो 150 के आसपास है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जे भागती। तो जहाँ से भाई सीधा ही रास्ता है भाई जहाँ पर हमारी रेस होने वाली है, तो रास्ते में भाई जितनी भी कार्स आएंगी सभी को भाई ये पीछे छोड़ती जाएगी, क्योंकि भाई वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ भी दौड़ जाती है कभी कभी ये। अभी आप देख सकते हैं भाई 100+ जा रही है भाई, 100 से ऊपर जा रही है भाई अभी जी। तो भाई चलती चलती वीडियो को भाई शेयर करते जाएं भाई सभी दोस्तों के साथ। और भाई हमारे फेसबुक पेज मैक्स गेमर को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना यार, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना यार।
Alright, don't panic, but I think I'm onto something big with this latest car rumour. Start having a sniff around the festival. Keep quiet about it, yeah? Turn around when it is safe to do so. At the roundabout, take the first exit. Meters, you will arrive at your destination. फिलहाल भाई जहाँ पर हमारी रेस होनी थी भाई वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं. You have arrived at your destination. तो भाई हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है भाई. हमने अपनी फोर्ड एंजिला 1965 मॉडल कार अपनी सिलेक्ट कर ली है भाई रेस के लिए. तो भाई रेस स्टार्ट हो चुकी है. अभी फ़िलहाल भाई अपनी जो कार है भाई वो 12 नंबर पर है भाई, सबसे लास्ट में है भाई. तो भाई जे देखो कैसी है कार्स भाई इस रेस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, जे वाली देखो कैसी कार है भाई. फ़िलहाल भाई अपनी जो कार है भाई 10th पोजीशन पर आ चुकी है भाई. इस कार में भाई जो लेफ़्ट साइड पर 100% का प्रोग्रेस है वो आप सभी जानते हैं भाई, जो हमारे चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं. तो भाई जो भी कार 100% प्रोग्रेस पर पहले नंबर पर होगी भाई वाली कार इस रेस को जीत पाएगी. तो फिलहाल भाई अभी अपनी कार भाई 9th पोजीशन पर है भाई. चलती चलती वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दें यार. अभी भी अपनी कार मुझे लगता है 5th पोजीशन पर है भाई, सॉरी यार 9th पर नहीं है 5th पर है. अभी जे देखो 4 नंबर की कार जा रही है भाई. अभी अपनी कार ना भाई 4th पर आ चुकी है, 4th पोजीशन पर. अभी 3 कार्स और भाई हमारी कार से आ गए हैं भाई फोर्ड एंजिला से. तो इन भाई तीनों कारों को भाई पीछे छोड़ना होगा तो फिर ही भाई हम रेस जीत पाएंगे. लो भाई जे क्या हुआ यार, सीधा टकरा गई भाई अपनी कार ना. थोड़ा सा जब भाई जे दोबारा रेस पकड़ने भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देती है, धीरे धीरे भाई जे कार अपनी मोशन पकड़ती है. पिकअप थोड़ी सी कम है भाई इस कार की हमारी की. तो कोई बात नहीं, फिलहाल भाई जो अपनी रेस है भाई वो 40% के आसपास कंप्लीट हो चुकी है फाइनली. अभी भी अपनी कार भाई 4th पोजीशन पर है भाई. तो भाई कोई बात नहीं, हम पूरी ट्राई करेंगे भाई रेस को कि हमारी कार फोर्ड एंजिला जीत पाए. तो अभी भाई जो अपनी रेस है भाई 40% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है. अभी भी अपनी कार भाई 4th पोजीशन पर है. तो भाई आप देख सकते हैं बैक साइड में हमने नंबर प्लेट भी भाई लगवा ली थी कार की. भाई 50% से ज़्यादा रेस कंप्लीट हो चुकी है भाई. अभी भी अपनी कार भाई 3rd नंबर पर आने ही वाली है भाई. चल चल भाई, चल भाई, चल दौड़ दौड़ जरा और दौड़ तेज. तो भाई आ गई अपनी कार फाइनली भाई 3rd पोजीशन पर आ चुकी है भाई, आप देख सकते हैं. अभी भाई 2nd पर आ चुकी है भाई फाइनली. पहले नंबर पर तो नहीं होगा यार जल्द से जल्द भाई. तो भाई अभी अपनी कार भाई पहले नंबर पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं भाई. धीरे धीरे अपनी कार ने भाई अपना जो रफ्तार है भाई वो पकड़ ली है. तो भाई अभी कोई बात नहीं भाई, अब नहीं हमारी कार पीछे जाएगी. तो भाई जो रेस है भाई 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं. तो
तो प्लीज़ भाई चलती चलती वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप्स में भाई शेयर जरूर कर देना यार। सपोर्ट की आप सभी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना। और दोस्तों अगर आप और भी किसी गेम का गेम प्ले वीडियो चाहते हैं तो भाई वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर भाई आप किसी और कार की भाई रेस वीडियो देखना चाहते हैं भाई तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं जल्दी भाई उस कार की रेस की वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा भाई। तो भाई फाइनली अपनी जो भाई फोर्ड एंजिला भाई है 1965 मॉडल कार है भाई, ये वाली कार हमारी रेस जीत चुकी है, अभी 90% रेस कंप्लीट हो चुकी है फाइनली भाई। जो अपने जो कार्स हैं भाई वो पीछे ही आ रही हैं बिल्कुल, कोई बात नहीं भाई, अभी अपनी कार पहले नंबर पर है, अभी जल्दी तो नहीं भाई हम पीछे होंगे। तो भाई अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली घंटी को नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।